नौजवानों के दिल की धड़कन उस शायर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसके गले में अल्लाह ने 12,000 यूनिट का यूनिट फिट कर रखा है, 12,000 पावर का, इससे ज्यादा बढ़ा दे, कुछ और बढ़ा दे। बहरहाल अल्लाह ने एक अनोखी आवाज, एक अछूते लबो लहजे कमल का अता फरमाया। वो ऐसा बंदा है कि वो मुश्किलों भी रास्ता तलाश कर लेता है। तरन्नुम के सीने पर चढ़कर अजान देने का हुनर और सलीका जो रखता है वो नाम जनाबे शमशेर जहाना गंजवी का है। वक्त की किल्लत दामनगीर आफ्ताब साहब, सीधे सीधे इस्तकबाल करता हूं चार मिसरों से। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अजब है इश्क की बीमार उठ नहीं सकता, अजब है इश्क की बीमार उठ नहीं सकता। वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखें, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखें। माइक पर जनाबे शमशेर आलम जहाना गंजवी। शायद की आपके इस इलाके में पहली हाजिरी जनाब कारी सिराज साहब मदनी और जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब के हुक्म पर यहाँ हाजिर आया। बहुत ही अच्छा अब तक आपका मुशायरा चल रहा है। जो लोग मुशायरा देखने आए थे वो तो चले गए, जो सुनने आए थे वो अभी तक जिंदा हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मगर एक शिकायत है थोड़ी सी, जो आप इधर उधर ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनाए हुए हैं दाएं बाएं बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा अगर एकजुट होकर बैठ जाएं तो आप कम है और मजबूत हो जाएंगे। आ जाए भाई, आ जाए, थोड़ा सा एकजुट हो जाए, सामने आ जाए, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी आफ्ताब रहबर साहब जब डाइस पर आएंगे उनसे आप सुनिएगा तरन्नुम की छाती पर चढ़कर अजान देना। बहुत जितने शायरों ने पढ़ा है अल्लाह का शुक्र है सभी ने अच्छा पढ़ा है। अल्लाह सलामत रखे हमारे शोराओं को। बस उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी दुआएं मुझे भी मिल जाएंगी क्योंकि आवाज मेरी भी गिरफ्तार है। अब बस आपकी दुआओं के सहारे थोड़ा बहुत अगर पढ़ लूँ तो पढ़ लूँ, वरना फिर कोई बात नहीं। आइए यहीं से एक दुआया मतला पेश करता हूँ, एक दुआ की है, आपकी शिरकत चाहता हूँ। माइक ऑपरेटर साहब कहाँ है, हैं थोड़ा सा आप थोड़ा सा वैल्यूम बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा सा आवाज लगी हुई है ताकि आपके माइक के सारे, और इसका बेस कम कर दीजिए, बेस खत्म एकदम टोटल खत्म कर दीजिए, बस ट्यून थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि आवाज मिलती रहे। जी हेलो माशाल्लाह जी, बस छोड़ दीजिए, अल्लाह सलामत रखे। आइए पेश करता हूँ यहीं से एक मतला और दो शेर, डॉक्टर साहब हाजिर करता हूँ मतला बतौर खास मुलाजा करें। कि नफरत की दीवार हटा दे, नफरत की तू आग बुझा दे, या अल्लाह। शरीक होइएगा मतला हाजिर करता हूँ आफ्ताब भाई, तवज्जो। कि नफरत की तू आग बुझा दे या अल्लाह, नफरत की तू आग बुझा दे या अल्लाह। कि नफरत की तू आग बुझा दे या अल्लाह, प्यार का सबको पाठ पढ़ा दे या अल्लाह, प्यार का सबको
पाठ पढ़ा दे या अल्लाह। बहुत खूब शमशेर साहब जिंदाबाद। एक शेर हाजिर करता हूं राजा ग्रह। एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन जाए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप नोट लेकर आइए, बस मुझे आपके होठ की जरूरत है। अगर आपके होठों ने मेरा साथ दिया तो हो सकता है मेरी भी आवाज खुल जाए। पेश करता हूं राजा करें कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन जाए। ऐसा हिंदू से तान बना दे या अल्लाह। ऐसा हिंदू से तान बना दे या अल्लाह। ऐसा हिंदू से तान बना दे या अल्लाह। और एक शेर, हमको क्या बनने की जरूरत है, पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा कर ले कि जो मुझे को औलाद अता की है उसने, जो मुझे को औलाद अता की है उसने, जो मुझको औलाद अता की है उसने, बस टीपू सुल्तान बना दे या अल्लाह। बस टीपू सुल्तान बना दे या अल्लाह। नफरत की तू आग बुझा दे या अल्लाह। अब आइए। अरे बाबा बाबा, नहीं अभी चलाऊंगा इंशाल्लाह, वही चलाऊंगा क्योंकि मेरी भी आवाज खुल नहीं रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुल जाए, बस इनकी मोहब्बत। आइए यहां से एक मतला पढ़ता हूँ, कमेटी वाले का हुक्म हुआ है, बतौर खास मतला समाज फरमाए। किसोने से ना चांदी से डॉलर ना खजाने से। पेश करता हूं राजा ग्रह। कि सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, चमकेगी तेरी किस्मत, चमकेगी तेरी किस्मत कुरान पढ़ाने से, चमकेगी तेरी किस्मत कुरान पढ़ा। हाय हाय बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। एक शेर पेश करता हूं डॉक्टर साहब, जावेद भाई, आफताब भाई और फैशल रसीदी साहब सभी की शिरकत, हाजिर करता हूं मुलाजा कर लें कि जब दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। कि जब दीन पे आ जाए
तुम सर को कटा देना। अरे कहिए इंशाल्लाह, पेश करता हूँ, मुलाजा कर ले कि जब दीन पे आ जाए तुम सर को कटा देना, जब दीन पे आ जाए तुम सर को कटा देना। ये दर्स मिला हमको, ये दर्स मिला हमको आका के घराने से, ये दर्स मिला हमको आका के घराने से। आइए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब का एक हुक्म हुआ है, उसकी तामिल करते हुए मतलब पेश करता हूँ मदर खास मुलाजा कर। डॉक्टर साहब तवज्जो, कि ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। अरे वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद शमशेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये न पूछो कि क्या क्या चूम, हाजिर करता हूँ मुलाजा कर ले, कि ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, बाग़े जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, बाग़े जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, लेके तकदीर जाए कि तैबागरी, लेके तकदीर जाए कि तैबागरी, उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे। बस आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। बस आप जैसे सुन रहे हैं थोड़ा देर सुन लीजिए, पांच मिनट बस, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि मरहबा सल्लेला, मरहबा सल्लेला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्लेला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें बिहली मान कहा, गोद में लेके उन्हें बिहली मान कहा, मरहबा सल्लेला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्लेला आए महबूबे खुदा, में लेके उन्हें बिहली मान कहा, इस तरह इनका झूला झूलाऊंगी मैं, इस तरह इनका झूला झूलाऊंगी मैं, इस तरह इनका झूला झूलाऊंगी मैं, जिब्राइला के झूला चूम लेंगे। ये न पूछोगी क्या क्या चूम लेंगे। और इस कलाम का आखिरी बंद पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा करें, कि बोले जहरा के ललन, अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, कि बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, आओ देखें तो जरा कहाँ है फख्र जमन, आओ देखें तो जरा कहाँ है फख्र जमन, बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र जमन, उनके कांधे पे बैठे ये वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे ये वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे ये वो जिस घड़ी, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे। ये न पूछोगी क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछोगी।